अपडेट्स ओनली यूट्यूब चैनल ने सब्सक्राइब करशो, बेल आइकॉन ने दबावशो, लाइक कमेंट अने शेयर करशो। बे अंकनी बे संख्यानो गुणाकार खूब झड़पथी गणतरीनी सेकंड में केवी रीते करी शकाय ए माटे वीडियो बनाव्यो छे। गुजरातीनी साथे साथे आपणे हिंदीमां पण माहिती आपीशुं जेथी अन्य माध्यमना विद्यार्थीओने पण आ माहिती उपयोगी थई शके। तो चलो शुरू करिए। बे अंकनी कोईपण बे संख्यानो गुणाकार, मल्टीप्लाइंग ऑफ टू डिजिट नंबर इन फ्यू सेकंड्स। सौथी पहलू जे स्टेप छे आ गुणाकार त्रण स्टेपमां थशे। सौथी जे पहलू स्टेप छे एमां एकम एकमनी संख्यानो आपणे गुणाकार करवानो रहेशे। एनो गुणाकार कर्या बाद बे अंकनी संख्या आवे तो एकमना स्थानमां रहेली संख्या ए जवाबमां जशे अने दशकनी जे संख्या बनशे ए आगळ बीजा स्टेप माटे वधी तरीके बनशे। बीजा स्टेपमां बंने संख्यानो चोकड़ी गुणाकार करीशुं, एकम दशकनी संख्यानो गुणाकार कर्या बाद एनो सरवाळो करवानो अने आगळथी जो वधी आवी होय तो ए उमेरवानी रहेशे। ત્યારબાદ એમાં પણ જો બે અંકની સંખ્યા આવે તો એકમનો અંક એ અહીં જવાબમાં દશક તરીકે આવશે અને આ જે દશક આવશે આનો એ અહીં વધી તરીકે જશે। અને ત્રીજું સ્ટેપ છે જેમાં દશક દશકનો ગુણાકાર કરવાનો છે અને આગળથી વધી આવી હોય તો એ ઉમેરવાની રહેશે। યહાં પર દો ડિજિટ કે જો નંબર હોતે હૈ ઉસકા મલ્ટીપ્લાઈ કરને કે લિયે હમકો ક્યા કરના હૈ, પહેલે વન્સ પોઝિશન પે જો નંબર હૈ ઉસકા મલ્ટીપ્લાઈ કરના હૈ। अगर उसमें टू डिजिट नंबर आता है तो वंस का जो नंबर होगा वो यहाँ पर आंसर के लिए जाएगा और टेंस का नंबर वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। सेकंड स्टेप में हमको दोनों का वंस और टेंस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। यहाँ पर वंस और टेंस का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके उन दोनों का एडिशन करना है। अगर आगे से कैरी हुआ है तो उसको उसमें ऐड करना है और उसके बाद जो आंसर आता है उसका वंस हमें यहाँ लिखना है और उसके बाद जो टेंस आएगा वो आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। और लास्ट और थर्ड स्टेप उसमें क्या करेंगे, हम टेंस की पोजीशन पर जो नंबर है उसका मल्टीप्लाई करेंगे और अगर कैरी आया है तो उसको हम ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद यहाँ पर आंसर में लिखेंगे। एक उदाहरण लीजिए मित्रों, 23 अने 34 नो गुणाकार करवो छे आपणे। वी आर गोइंग टू मल्टीप्लाई 23 एंड 34। एकमना स्थान पर 3 अने 4 छे तो आ पहला स्टेप प्रमाणे एकम एकमनो गुणाकार करवानो छे आपणे। तो सबसे पहले हम ये वंस वंस का मल्टीप्लाई करेंगे, आ बेनो गुणाकार करिए तो 4 3 12 थशे। यहाँ पर 4 3 12 होगा तो 12 में यहाँ पर 2 लिखेंगे એટલે આપણે અહીં બગડો લખીશું અને એક વધી છે જે સાઈડમાં લખીએ આપણે કેરી 1 હોગા, જો હમ સાઈડમાં લખતે જો હમે ધ્યાન રહેગા એ એ કેરી હોગા। બીજું સ્ટેપ જે છે એમાં ચોકડી ગુણાકાર કરવાનો છે તો ક્રોસ મલ્ટીપ્લિકેશન દૂસરે સ્ટેપમાં કરના હૈ તો યહાં પર આ બેનો ચોકડી ગુણાકાર કરીશું તો 3 3 9 4 2 8 એટલે 8 અને 9 ને 17 ને 1 આવી એટલે 18 થશે। યહાં પર 2 4 8 ઓર 3 3 9 8 + 9 17 + 1 એ જો કેરી હે મતલબ 18 હોગા એટલે 18નો આઠડો અહીં લખીશું આપણે અને વધી 1 જે છે એ કેરી ફોરવર્ડ થશે તો એ બી કેરી હુઆ હે થર્ડ સ્ટેપ કે લિયે। ત્રીજા સ્ટેપમાં આપણે દશક દશકની સંખ્યાનો ગુણાકાર કરવાનો છે એટલે આપણે હવે આ બેનો ગુણાકાર કરવાનો છે તો ઇસકા મલ્ટીપ્લાય કરેંગે હમ 3 2 6 આ બેનો ગુણાકાર 6 થશે અને આ વધી 1 છે આ વધી ઉમેરવાનું રહી ના જાય મિત્રો, એ જો કેરી હે ઉસકો એડ કરને કા હે એ ખાસ યાદ રખના હે હમકો 3 2 6 ઓર કેરી 1 હે તો મતલબ 7 3 2 6 અને 1 વધી એટલે 7 મતલબ આન્સર થશે 782 એ અમારા આન્સર હે 782। चलो मित्रों बीजू उदाहरण जुए, अब दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज हम लेते हैं 32 और उसको मल्टीप्लाई करना है 78 से, आपणे 32 अने 78 ने गुणाकार करवो छे। तो पहलू स्टेप जे छे आपणो एकमना स्थान में रहेली संख्या गुणाकार, तो यहाँ वंस के पोजिशन पर 2 और 8 है आ एकमना स्थान पर एनो गुणाकार करिए, 2 8 16 2 8 16 होगा तो 16 नो 6 यहाँ पर 6 लिखेंगे और 1 कैरी होगा आ 1 ए वधी बनशे। बीजा स्टेप माटे હવે આપણે આ બીજા સ્ટેપ પ્રમાણે ચોકડી ગુણાકાર કરીશું તો આ બંનેનો ચોકડી ગુણાકાર કરીએ એટલે 8 3 24 7 2 14 એટલે 24 અને 14 એટલે બનશે 38 અને એમાં 1 ઉમેરીશું એટલે 39 બનશે। યહાં પર એ 8 ઓર 3 કા મલ્ટીપ્લાય હોગા 8 3 24 એ 2 7 જા હોગા 14 તો 24 + 14 માની 38 ઓર ઉસમે એક વો જો કેરી કા હૈ ઉસકો એડ કરેંગે એટલે
होगा 39, तो अहीं अगर आपणे 9 लखीशुं एटले यहाँ पर हम 9 लिखेंगे और कैरी होगा 39 का 3। हवे 7 तरी 21 अने 3 उमेरी एटले 24 थाय, 7 3 जा 21, उसमें एड करेंगे 3 तो होगा 24, मतलब ये आंसर हो गया आपका 2496। और एक एग्जांपल लेते हैं, 54 × 87 54 × 87 आनो आपणे गुणाकार करवो छे। पहला स्टेप प्रमाणे एकम एकमनो गुणाकार करिए, आनो गुणाकार करिए 7 × 28। सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई करते हैं 7 × 4 = 28, तो अहीं 28 आठड़ो लखाशे એટલે 28 का 8 લખેંગે और 2 કેરી હોગા, આ બે આપણા માટે વધી બનશે। હવે ચોકડી ગુણાકાર કરીશું આ બેનો, તો ગુણાકાર કરીએ 7 × 35 અને 8 × 32, એ બેનો સરવાળો થશે 67 અને એમાં વધી 2 એટલે 69નો નવડો। હવે ઇસકો મલ્ટીપ્લાય કરેંગે 5 × 7 = 35, 8 × 4 = 32 और इसका एडिशन करेंगे तो होगा 67, उसमें ये 2 कैरी ऐड करेंगे तो होगा 69, तो यहाँ पर 9 लिखेंगे और 6 हमारे लिए लास्ट स्टेप के लिए कैरी होगा। हवे छेल्लू स्टेप, अब एनो गुणाकार 8 × 45 अने एमां वधी 6 उमेरीशुं एटले 46। अब लास्ट स्टेप में हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 8 × 5 = 40 और उसमें 6 एड करेंगे यानी 46। आ रीते तमे बहुत सरळताथी कोई पण बे अंकनी संख्यानो गुणाकार जाते करी शको छो। आप बहुत इजीली कोई भी 2 डिजिट का अगर नंबर आता है तो उसका मल्टीप्लाई, ये जो 3 स्टेप है उससे आप आसानी से कर सकते हैं। हवे हूँ तमने एक जाते गणवा माटे उदाहरण आपूँ छूँ। आ दाखलो जे छे 72 × 33, तमारी जाते गुणाकार करो अने कॉमेंटनी अंदर आनो आंसर लखशो। आप ये 72 × 33 खुद ही अपने आप इसका मल्टीप्लाई करें और इसका आंसर कमेंट में लिखेंगे। थैंक यू।